एक बार की बात है, दो युवक थे, नाम था जगन और मगन। दोनों युवक बेरोजगार थे, दोनों के पास कोई भी काम धंधा नहीं था। दोनों का सपना व्यापार करने का था, परंतु व्यापार शुरू करने के लिए उनके पास कोई पूंजी नहीं थी। एक बार की बात है, एक दिन दोनों रोजगार की तलाश में पास के शहर में जा रहे थे। वहां रास्ते में एक जंगल था। जब वे जंगल पार कर रहे थे तो उनको एक कुटिया नजर आई। कुटिया देखकर जगन ने मगन से पूछा, यार जगन, इस घने जंगल में तो बहुत ही खूंखार जानवर होंगे, इस खतरनाक जगह कोई साधारण पुरुष तो निवास नहीं कर सकता। हाँ दोस्त, कोई दिव्य पुरुष होंगे, चलो उनका दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद भी लेते हैं, शायद उनके आशीर्वाद से हमारे किस्मत चमक जाए। दोनों दोस्त उस कुटिया में जाते हैं। वहां कुटिया में उन्हें एक दिव्य साधु मिलते हैं। दोनों साधु महात्मा को प्रणाम करते हैं और अपनी सारी दुख भरी कहानी बताते हैं। महाराज, हमारी दोनों की इच्छा व्यापार करने की है, परंतु व्यापार शुरू करने के लिए हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। साधु ने उनकी समस्या सुनी और अपने पास से दो सोने की मोहरे भरी थैलिया दोनों को सौंपते हुए कहा, तुम्हें व्यापार के लिए धन चाहिए था ना, तो लो रखो इसे और इससे कोई अच्छा सा व्यापार शुरू करो, ईश्वर तुम्हें सफल बनाए। आगे दोनों ने साधु महात्मा से आशीर्वाद लिया और वहां से प्रस्थान किया। वे सोने की मोहरे पाकर बहुत ही प्रसन्न थे, क्योंकि अब उनके पास व्यापार करने का ये पैसे थे और उनका सपना पूरा होने वाला था। शहर आकर दोनों ने मन लगाकर व्यापार शुरू किया। दोनों के व्यापार में दिन दुना रात चौकनी तरक्की होती गई। जल्दी ही दोनों ने अच्छा खासा धन जुटा लिया। एक दिन जगन के मन में ख्याल आया, आज जो कुछ भी है मैं साधु महात्मा की वजह से हूं, मुझे उनसे मिलकर उनको धन्यवाद देना चाहिए। यही सोचकर जगन अगले ही दिन साधु महात्मा से मिलने जंगल में गया। वह साधु से मिला, वहां उसने साधु महात्मा के दर्शन किए। फिर उसने एक सोने की गठरी साधु महात्मा के चरणों में रखते हुए कहा, महाराज आपके दिए धन से व्यापार प्रारंभ किया था, आपके आशीर्वाद और प्रभु की कृपा से मुझे व्यापार में बहुत तरक्की मिली है, ये सब आपके दिए धन से ही हुआ है, अतः मेरे लाभ में आपका भी हिस्सा बनता है, इसलिए मेरे लाभ का आधा हिस्सा मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। बेटा तुम्हें मालूम है मैं एक सन्यासी हूँ, ये धन मेरे किस काम का? महाराज कृपया इनकार मत करो, मुझे मालूम है आप साधु हैं, आपको धन की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु आप धन से जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं, मेहरबानी करके इसे स्वीकारें। जगन के बार बार निवेदन से साधु ने वो धन स्वीकार कर लिया। आगे महात्मा जी का आशीर्वाद लेकर जगन पुनः अपने घर की ओर लौट आया। शहर आकर जगन ने साधु से मिलकर धन देने की बात अपने दोस्त मगन से बताई। जब मगन को मालूम पड़ा तो उसके मन में लालच और कपट आ गया। वह सोचने लगा, इससे पहले कि साधु महात्मा जी जगन के धन को किसी और को दे, मुझे वो धन महात्मा जी से हथिया लेना चाहिए, वैसे भी साधु महात्मा जी को धन की क्या आवश्यकता। यही चाल सोचकर मगन अगले दिन साधु महात्मा से मिलने के लिए जंगल गया। वहां साधु के सामने दुखी होने का नाटक करते हुए मगन बोला, महाराज आपके धन से मैंने भी बहुत तरक्की की थी, परंतु कल रात की घटना से मेरा सारा जीवन तबाह हो गया। ऐसा क्या हुआ? महाराज कल रात को मेरे घर पर चोरी हो गई, चोरों ने मेरी सारी पूंजी पर हाथ मार दिया, मैं बर्बाद हो गया हूं, महाराज कृपया मेरी मदद करो। साधु दिव्य पुरुष थे, वे सब जानते थे कि मगन झूठ बोल रहा है, उसके आंसू दिखावटी हैं। फिर भी साधु ने मोहरों की थैली निकाली और मगन को देते हुए कहा, भगवान करे तुम्हारी बात सच हो, लो ये धन और शुरू करो व्यापार। धन देखकर मगन पगला सा गया था, उसको नहीं मालूम कि साधु महात्मा क्या कर रहे हैं। उनके मुख से निकल गया था, भगवान करे तुम्हारी बात सच हो। उस समय उनके जिह्वा पर सरस्वती विराजमान थी और मगन को नहीं मालूम था कि साधु महात्मा के वचन सत्य होने वाले थे। वह खुशी खुशी धन लेकर अपने घर की ओर रवाना हो गया।
आगे वह घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके घर के ताले टूटे हुए थे। जब वह घर के अंदर गया तो घर के अंदर का मजारा देखकर उसके होश उड़ गए। चोरों ने सचमुच वहां हाथ साफ कर दिया था। उन्होंने मगन के घर के बर्तन तक नहीं छोड़े थे। अब उसके पास साधु महात्मा के दिए हुए धन के अलावा कुछ नहीं बचा था। ये सारा माजरा देख उसके कानों में साधु महात्मा जी के शब्द बार बार सुनाई दे रहे थे। भगवान करे। अब दुखी मगन मन ही मन सोच रहा था, मेरी सारी दुर्दशा का जिम्मेदार मैं खुद हूं। मेरे लालच और कपट ने मुझे फिर से कंगाल कर दिया। काश मैं महात्मा जी से झूठ बोलकर कपट ना करता तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। लालच बुरी बला है।